अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी वो आप दोस्तों ने बहुत पसंद की और डेफिनेटली जो है वो जमील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने जो है वो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत सारे लोगों को जो है वो मुझे मैसेजेस आप लोगों के आए, आप लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं थी जिनके बारे में आपको बताया। तो जो है वो मेरे इनसे यही डिस्कशन हो रही थी और जमील भाई ने मुझे दोबारा इन्वाइट किया और मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको जो है वो कुछ मेडिसिन के बारे में भी बताऊं। अभी जो है ना अक्सर जो है ना वो मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले था और फेसबुक पे भी था, अभी भी जो है ना वो फेसबुक पे जमील भाई ये होता है कि एक बंदे ने जो है ना वो येलो रिंग नेक लगाए हुए हैं, रा लगाए हुए हैं और वो जो है वो एक न्यू फैंसियर है और वो जब किसी से मशवरा लेता है, भाईजान मुझे बताएं कि मैं इसको कौन से मल्टीविटामिन डालूं, कौन से कैल्शियम डालूं, तो नीचे एक कमेंट आता है या व्हाट्सएप पे जो है ना एक उस्ताद जी जो है वो उसको रिप्लाई करते हैं आप कैल्शियम पी डालें और वाइटलिन एम जो है वो डालें। खुदा का खौफ करें, आपने 60-70 हज़ार रुपये का पेड़ ख़रीदा है और वो एक पेड़ की कीमत है और भी आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी जमील भाई की, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर बर्ड आपको पे बैक करता है, यही कहा था जमील भाई आपने। तो अगर आपने इतने एक्सपेंसिव बर्ड लिए हैं, आप ये जो कैल्शियम पी 30-35 रुपए का सिरप जो लोग अपने बच्चों को भी नहीं पिलाते, वो आप इतने एक्सपेंसिव बर्ड को क्यों देंगे? आप क्यों नहीं जो है ऐसी कंपनीज जो बाहर की जो है उनकी रिसर्च है, उनकी जो प्रॉपर उनकी मेहनत है, सालों से जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो बाकायदा सिर्फ बर्ड्स के लिए ही वाइटमिन बना रही हैं, आप वो क्यों नहीं डालते? ये सोचें कि आपको जो है वो अगर 2-3 जो आपको ब्रीडिंग नहीं आनी तो उसकी जगह अगर आपको अच्छी एवरेज मिल जाए या 2 बच्चों की जगह 4 बच्चों की एवरेज मिल जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बर्ड्स के लिए एक तो अच्छी हैं, दूसरा ये आपको पे बैक करेंगी। ऐसा ही है अजमेर भाई? बिल्कुल। तो आज जो है अजमेर भाई आप लोगों को बताएं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो जो वाइटामिन हैं, जो कैल्शियम है, जो ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जबरान भाई। सबसे पहले जो बड़ी एक ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक दोस्त आता है वो नेट के ऊपर एक प्रोडक्ट लगाता है जी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड मैंने ये यूज़ की है ब्रीड के लिए, तो सब उसी को धड़ाधड़ यूज़ करना शुरू हो जाते हैं जो इंतहाई गलत है। ठीक है, बात यह है कि उस वो जो बंदा यूज़ कर रहा है वो अपने सेटअप के लिए यूज़ कर रहा है, उसके सेटअप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मेरे सेटअप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा कोई एक विटामिन यूज़ कर रहा है तो सेम मेरे बर्ड्स में भी डेफिशिएंसी होगी? ठीक है, तो मैं सब दोस्तों से ये कहूँगा कि ये देखा देखी उसने ये यूज़ किया तो मैं भी वो शुरू कर दूँ, ऐसा ना किया करें। हमारी टीम्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, डिस्कस गाइड करती हैं, तो डिस्कस किया करें कि मेरा ये सेटअप है, इतनी सनलाइट आती है, ये मैं डालता हूँ, फिर हमारा जो बंदा है उसको ऑब्जर्व करता है कि इसमें क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप जो चीज़ें डाल रहे हो दूसरा बंदा जो यूज़ कर रहा है वो ना डाल रहा हो। ठीक है, तो हर सेटअप की मेरा पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो देखा देखिए इस प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया करें। ठीक है, अपनी अपने बर्ड्स की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, एक तो मेरा ये पॉइंट है। दूसरा, हम आज जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो अक्सर दोस्तों के सवाल आते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है और ये किस पर्पज़ के लिए होती हैं, तो वो हमने आज रखी हैं चंद एक प्रोडक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह रही तो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, लेकिन चंद एक प्रोडक्ट रखी हैं जो ताकि इस सीज़न के लिहाज से उनके मुताबिक गाइड किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। बस यही मैं आप दोस्तों को समझाना चाह रहा था कि वीटा फॉर्म है और भी जो कंपनीज़ हैं, जमील भाई के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर आपको तस्वीरें दिखा दिखा कर एक्सप्लेन करना चाहता मैं ये वीडियो घर पे भी बना सकता था, लेकिन उसका मज़ा नहीं आना था। तो मतलब एक प्रोफेशनल जो जिनके पास ये हैं और जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उन्हीं पर जो है मैंने कहा कि ये भी वीडियो जो है वो प्रोफेशनल लोगों के साथ ही बनाई जाए। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि अभी जो हमने लास्ट पे वीडियो बनाई थी वो उसके हमने ट्रीटमेंट पे बेसिकली प्रॉपर तरीके से हमने बात नहीं की, तो क्या कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें पोलियोमो में और जो पीबीएफडी में हेल्प करेंगी? जिब्रान भाई, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये दोनों प्रॉब्लम्स जो थे वायरल थे। जी, वायरल। और वायरल इन्फेक्शन के केस में जो वर्ल्ड वाइड रेमेडीज़ चलती हैं वो जस्ट सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, जिसमें केस टू केस वेरी करता है। आप जस्ट देखते हैं कि आपका जो बर्ड है वो क्या साइंस शो कर रहा है, सो जस्ट फॉर दैट आप सपोर्टिव
ट्रीटमेंट में जाते हैं, अलॉन्ग विद आप ऐसे मल्टी वाइटामिन या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करे। प्लस कोई भी ऐसे साइंस लाइक कोई फैदर्स से रिलेटेड है या उसको डायरिया, आप एंटी डायरियल्स दे देंगे और डायरिया का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो सो सपोर्टिव चलता है। तो आप जो है उसमें उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको इम्यून बूस्टर्स होते हैं और इम्यून बूस्टर्स में विटामिंस स्पेशली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आप उसको विटामिंस और इलेक्ट्रोलाइट्स एक अच्छी क्वालिटी के बैलेंस्ड उसको दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो है अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं लाइक ये एविज मैक्सिमिक्स है और ये प्राइम है, ये मल्टी विटामिंस है। मल्टी विटामिंस जो हैं बॉडी को सपोर्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर आप सिस्टमिकली चले जाएं, पोलियोमा वायरस में भी अल्टीमेटली फैदर लॉस होता है, पीबीएफडी का अगर वायरल प्रॉब्लम जो है चलता है उसमें भी फैदर लॉस है। सो उसके लिए यहाँ मुझे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है मल्टी विटामिन जो कि मोल्टिंग एड के साथ है, जिसमें वो मल्टी विटामिंस उन्होंने ऐड किए हुए हैं जो कि स्किन के लिए लाइक विटामिन ए है, ई है, डी थ्री है। विटामिन ई बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है इम्यून सिस्टम के लिए। सो ये चीज़ें आपको ऐसे बर्ड्स में जिसमें फैदर लॉस ज़्यादा हो चुका है, मल्टी विटामिन को पूरा करते हुए आपके उस लॉस को भी ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक साइंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें डायरियल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, उसमें उस केस में बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उसके केस में आप इलेक्ट्रोलाइट की कोई अच्छी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे मुझे स्पार्क नज़र आ रही है, एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसको यूजुअली हमारे जो बर्ड कीपर हजरात हैं एक स्ट्रेस के तौर पर कुछ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब बर्ड डायरियल कंडीशन या डिजीज कंडीशन में है तो वो स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन, सो उसमें भी आपका जो है ये लॉजिक फॉल कर जाएगी कि आप उसको दें और उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस्ड रहें, बैलेंस्ड रहें, ठीक है। ये आपने वायरल कंडीशन में सिर्फ सिस्टमैटिकली बस बर्ड को सपोर्ट करना है और उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखने की कोशिश करनी है आपने ताकि वो उसको सर्वाइव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो जिनके फिदर लूज होते हैं डेफिनेटली वो भी स्ट्रेस में ही होते हैं, तो कई लोगों का यही सोच होती है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सिर्फ गर्मियों में दिए जाते हैं। बल्कि मैं तो अपनी पहले भी डॉक्टर साहब मैं पहले वीडियो में बताता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट आप गर्मियों में दें। आपका बर्ड स्ट्रेस में है, आपका बर्ड ट्रैवल करके आया है, बिल्कुल, आप किसी बहुत दूर से ट्रैवल करके आप तब भी आप जो है वो स्पार्क लिक्विड जो है आप बर्ड को दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, लोग यही सोचते हैं कि गर्मियाँ आएंगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, स्पार्क डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ गर्मियों में डालना नहीं होता। असल में पता क्या, स्ट्रेस एक बड़ी एक वाइड किस्म की टर्मिनोलॉजी है। अब स्ट्रेस बहुत सारी किस्मों के है, स्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशनल भी हो सकती है, स्ट्रेस उसकी लोकेशन की हो सकती है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट की हो सकती है, स्ट्रेस फीड प्रॉपर ना मिलने की हो सकती है, स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। डिजीज इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस जब भी आप बर्ड को देंगे सो आपको उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। एक अच्छी प्रैक्टिस है जो आपने जिक्र किया कि बर्ड मूव करके आया है, आप उसको बिल्कुल स्पार्क दें, उसका स्ट्रेस लेवल लो करें ताकि बर्ड जो है वो अपनी अल्टीमेटली फिर ये जो स्ट्रेस का जो एलिमेंट है वो आपकी प्रोडक्शन लूज करके शो करेगा, तो आपने उसको प्रिवेंट करना। जी जमील भाई, अगला सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि ये जो हम ह्यूमन जो विटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, या ह्यूमन एंटीबायोटिक हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किसी का बर्ड बीमार हुआ जी एमोक्सल डाल दें, एमोक्सल का एक कैप्सूल जो इंसानों के लिए बना है, वो बॉडी वेट है इंसान की जो है, वो बर्ड कितना सा है, इंसान कितना सा है, इंसान एक कैप्सूल खा रहा है और बर्ड को भी दा रहे हैं, इतना हैवी है, हैंडवी एंटीबायोटिक है, फिर ये विब्रामाइसिन, इस तरह बहुत सारी हैं, तो हम ऐसे मशवरा देते हैं आप ये डाल दें आपका बर्ड ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों के ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन क्या ये जो है ह्यूमन मेडिसिन जो है वो बर्ड्स को देनी चाहिए या प्रॉपर जो बर्ड्स की जो बर्ड से रिलेटेड होती हैं, जो बर्ड की प्रॉब्लम के लिए होती हैं वही देनी चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जवाब भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा
कि जब भी कोई दोस्त फेसबुक पे या इधर सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम लगाता है तो उसको नीचे बहुत मैंने देखा प्रॉब्लम कोई होती है और लोग उसको गाइड किसी और तरफ कर रहे थे। सबसे पहले तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से पता करे कि उसके बर्ड को प्रॉब्लम क्या है, ताकि फिर वो वही प्रोडक्ट को यूज़ करें। ठीक है, दूसरी जो आपने बात की, देखिए ह्यूमन मेडिसिन मुझे तो नहीं समझ आती कि मैं एक बर्ड के लिए फॉर एग्जाम्पल जेंटल एक टैबलेट है, ठीक है, डिवॉर्मिंग के लिए, तो मैं एक पूरे इंसान के लिए वो एक गोली है, तो मैं बर्ड के लिए उसकी डोज कैसे कैलकुलेट करूँगा? वो बॉटल भी आती है, लिक्विड भी आती है। अगर वो एक्सेस कर डाल दी फिर भी नुकसान दे, कम डाल दी फिर फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो सारी मेडिसिन में ये जो एवियन प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी, इनका बेनिफिट ये है कि इनके जो भी एवियन डॉक्टर्स हैं पीछे, उन्होंने बर्ड्स के वेट के हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेशन करके कि बर्ड कितना पानी पीता है उसी हिसाब से हर चीज़। इवन जो पोल्ट्री की मेडिसिन है वो भी हम बर्ड्स में कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि पोल्ट्री का इंटेक डिफरेंट है, पैरट का इंटेक डिफरेंट है, तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम उसकी डोज कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये हम जो मतलब कोई भी आप देख लें बर्ड से रिलेटेड को देख लें, तो उस पर जो है ना वो डोज लिखी होती है कि आपने जो है ना वो कितनी डोज देनी है, कितने बर्ड को उसके फूड में कितनी देनी है, उसके जो है वो पानी में कितनी देनी है, पानी में देनी है या नहीं देनी है, हर चीज़ जो है वो उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेन की होती है। अगर आप उसकी बैक साइड पे इवन इवन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ये भी डिफरेंस होता है कि बजी को क्या डोज देनी है, रिंगनेट को क्या देनी है, यानी हर साइज़ के पैरट की भी उन्होंने डोज डिफरेंट की होती है, इतना वो एहतियात करते हैं। तो हमें भी करनी चाहिए, एक तो ये करना चाहिए कि जो प्रॉपर जो डिजीज़ है उसी से रिलेटेड मेडिसिन यूज़ करें, और दूसरा अगर एवियन प्रोडक्ट यूज़ करें तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अक्सर मैं दोस्तों से पूछता हूँ कि यार आपके ये प्रॉब्लम आ रही है, लाइक सीने की हड्डी सूख रही है, तो डिवॉर्मिंग की थी आपने? हाँ जी जी, मैंने जेंटल करवाई थी, बहुत अच्छा उससे रिजल्ट है। मैं उससे पूछता हूँ आपने कैसे ये पता लगाया कि जेंटल ने बहुत अच्छा काम किया है? क्या आपने उसके उसको जेंटल देने से पहले उसका कोई लैब टेस्ट किया था कि कौन कौन से वर्म्स हैं अंदर, और जेंटल के बाद दोबारा किया था कि क्या रिजल्ट आया, कौन से वर्म मरे हैं? यानी आपको कैसे पता चलेगा कि जेंटल ने बहुत अच्छा काम किया? या तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बिफोर एंड आफ्टर लैब टेस्ट करवाएं, देन आपको आइडिया हो कि जेंटल ने कितना काम किया है। ठीक है, तो थोड़ी सी हौसले की ज़रूरत है। अगर हम ये सारी प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करें तो एक सेटअप की शायद 40-50 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट एक साल की बनती हैं, साल की बनती हैं। ठीक है, और हम एक क्लच आपका अच्छा आ गया, एक बर्ड आपका सर्वाइव कर गया, तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। ये जस्ट एक कैलकुलेशन, एक दफ़ा बंदा कैलकुलेशन कर लेना फिर बंदा बड़े हौसले से चीज़ घर पे ले जाता है, यार ये 40 रुपये फौरी तौर पे पे बैक हो जाते हैं, एक बर्ड आपका सर्वाइव कर गया। ठीक है, बाद दफ़ा दोस्त कहते हैं कि जब मुझे अक्सर प्रॉब्लम ये होती है, अब सैटरडे संडे को 2 दिन लॉकडाउन होता है, बर्ड बीमार, आप दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं जमील साहब किसी तरीके ना कोई दुकान खुलाओ तो सानू दवाई दे दो। यार बात यह है कि अगर आपने इतना महंगा सेटअप लगाया हो, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, सॉरी ये एक एंटीबायोटिक है, ये 2500 नहीं तो 2800 की होगी, आप इसको घर पे रख लें, ना यूज़ हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अच्छी ये आप ठीक है, लेकिन आप इसको इमरजेंसी की सूरत में आप इसको इस्तेमाल तो कर सके ना। अब ईद की छुट्टियां, क्लाइंट फ़ोन कर रहे हैं मेरा बर्ड को ये हो गया, किसी तरीके से मेडिसिन दिलवा दें, हम भी परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहा है, तो बेहतर है कि ये थोड़ा सा जितना इतने इतने महंगे बर्ड्स ले रहे हैं, रिंगनेट ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, तो ये 15-20 हज़ार रुपये की मेडिसिन लेके इसको ऊपर बस दोस्त क्या करते हैं, लेके ऊपर शेड में रख देते हैं, शेड में रख देते हैं। लेकिन वो मेडिसिन आपकी सब शेड पे पड़ी होती है। अब आपने जो है वो ये एक चीज ले ली, प्रोडक्ट आपने जो है वो खरीद ली, कोई भी हो, आपने गर्मी में रखी हुई है, अब वो जो है ना वो काम नहीं करेगी, कैसा ये सबसे, फिर लोग कहते हैं कि जी ये दो नंबर थी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपने शेड के अंदर ये रख ली, शेड में तकरीबन हर तरफ से किसी ना किसी टाइम के ऊपर धूप आ रही होती है, जब बर्ड्स को धूप पड़ती है उसको जरूरत नहीं होती, वो इधर उधर हो जाता केज में, मेडिसिन वहीं पे एक्सपोज हो रही होती है और उस पर हीट पड़ रही होती है। ठीक है, फिर हमारे दोस्त अक्सर ये गलती करते हैं, फीड खरीद के उसको गाड़ी के ट्रंक के अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, अब वो ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी धूप में खड़ी है, अगर आपने उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर रख दिया फीड को एक दफ़ा, फिर चाहे उसकी 2 साल की एक्सपायरी क्यों नहीं रहती, वो फारिग हो गई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो तो, उसकी 2 साल की एक्सपायरी है, बिल्कुल ऐसे ही, तो एहतियात करनी चाहिए बस इन चीज़ों के लिए। ठीक है, इनको शेड के अंदर ना रखें जहाँ पे हर टाइम डस्ट उड़ रही होती है, धूप आ रही होती है, तो इनको कम से कम कमरे में लिविंग रूम एरिया में रख लें जहाँ पे साफ़ सुथरी ये रहें। ठीक है, और उतनी की निकालें जितनी का आपने यूज़ करनी। दोस्त क्या करते हैं कि इसको खोला और उधर से पानी में डाला,
वो सारा मॉइस्चर अंदर आ गया, वो थोड़ी जम जम के कलर गीला चम्मच भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ दोस्त खुद नहीं हैंडल कर रहे होते, मुलाजमों से करवा रहे होते हैं, ठीक है, और मुलाजम भी वो इतने नहीं होते, वो घर में सब्जी लाने वाला होता, वही सारे काम कर रहा होता, तो उसको गाइड करें प्रॉपर तरीके से कि यार ऐसा नहीं करना, तो मेरे ख्याल आप काफी सारी बातों से बच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। अगला सवाल जो है डॉक्टर साहब आपसे है, स्पेशली मैं भी जो है वो इस बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था, बल्कि मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन अभी मौका मिला तो अभी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये प्रोबायोटिक्स जो है, जब हम कोई हैवी एंटीबायोटिक देते हैं या डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम कुछ लोग जो है वो प्रोबायोटिक्स, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब ये प्रोबायोटिक्स क्या है और ये कब कब दी जा सकती हैं? ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक के बाद इस्तेमाल किए या नॉर्मली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जिब्रान भी, प्रोबायोटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रोबायोटिक्स हम कहते किसे हैं। जी जी, प्रोबायोटिक्स बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है डिफरेंट बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कम्बिनेशन होता है, जिनको हम हेल्दी बैक्टीरियाज या फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के साथ साथ इनका एक मेजर रोल ये भी है, प्रोटेक्शन भी करते हैं ये हमारे जो हम ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, सब में एक जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। किस तरह कर रहे होते हैं कि ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, उसके अंदर उसकी जो पूरी इंटरनल लाइनिंग है ये उसके कवर कर लेते हैं बिल्कुल, और जब इन्होंने कवर किया होता है तो कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हार्मफुल है या कोई डिजीज का बैक्टीरिया है तो वो वहां पे अटैच नहीं हो पाता, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पास आउट हो जाएगा, लाइक फीडिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो पास आउट हो जाएगा, लेकिन अगर उसको कहीं वहां पे जगह मिल जाए तो वो वहां पे अटैच हो जाता है और फिर ज्यादा डिजीज कॉज कर देगा। सो इस चीज से हम बचने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड का, उसके अंदर हम कोई ऐसी जगह ही ना छोड़ें जहाँ पे कोई और बैक्टीरिया पैथोजेनिक अटैच होके डिजीज कॉज कर दे। प्लस इसके अलावा ये बहुत सारी फीड में से आप कह लें कि जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन बैक्टीरिया की एब्सेंस में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते, ये उसमें भी हेल्प करते हैं। वो अगर ये नहीं होंगे तो वो आप न्यूट्रिएंट्स देंगे भी अगर उसको तो वो एब्जॉर्ब हुए बगैर निकल जाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो ये बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी में ये इन बैक्टीरियाज ने प्रोड्यूस करने, अगर ये नहीं होंगे तो बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। सो ये इसलिए ये इनकी सिग्निफिकेंस है कि ये बर्ड के अंदर क्यों होने चाहिए, और डिफरेंट टाइम्स होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप कभी कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं अपने बर्ड्स को, लाइक आप किसी डिजीज से रिकवर होके गया है या आपने 3 से 5 दिन का प्रोफिलैक्टिक या किसी भी तरह से आपने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है, तो एंटीबायोटिक ने इररिस्पेक्टिव टू एनीथिंग वो नहीं देखेगी कि ये हेल्दी बैक्टीरिया या कौन से बैक्टीरियाज पे अटैक करना। सो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज तो एलिमिनेट होंगे ही होंगे, उसके साथ ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, सो उस केस में हम डिजीज जब भी कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं तो उसके बाद प्रोबायोटिक का कोर्स जो होता है वो बड़ा हेल्प, बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो मतलब डॉक्टर साहब कहने का मतलब है ये है कि अभी बर्ड अगर बीमार से रिकवर हुआ, हमने कुछ उसको एंटीबायोटिक दी, उसके बाद तो ये देना ही देना है, लेकिन वैसे भी जो है हमने ब्रीडिंग सीजन में इसको इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि वक्त के साथ इनकी तादाद ये आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, कोई कम ज्यादा हो जाती है, सो उस तादाद को बैलेंस करने के लिए आप इसका जो है एक कोर्स करवाएं, ताकि जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन्होंने हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करवाने हैं, और जो ब्रीडिंग सीजन के अराउंड हमने जो एक बड़े कॉस्टली और वेल रिच्ड डाइट हमने इनको देनी है या सप्लीमेंट्स देने हैं, उनकी प्रॉपर अब्सॉर्प्शन के लिए भी हमारे जो बर्ड हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को रेडी होना चाहिए। अगला सवाल जो है वो मैं आपसे ये है कि लोगों को जो है ना वो बर्ड बीमार है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि बर्ड को क्या प्रॉब्लम है,
मैं देख रहा हूँ बर्ड जो है ना वो वीक हो रहा है, तो एकदम अगर आप किसी से मशवरा नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है, तो एहतियाती तौर पे क्या ऐसी एंटीबायोटिक कोई है जो हम अपने घर पे रखें, जो कि अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या मसला है, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और बर्ड बिल्कुल ही जो है वो किसी काबिल ना रहे, तो हम उसको एटलीस्ट खड़ा कर सके कोई एंटीबायोटिक ऐसी बर्ड्स में देखना चाहें, कोई ऐसी सिनेरियो है कि आपको नहीं मिल पा रहा कोई और आप एक जनरल या प्रोफाइलेक्टिक करवाना चाह रहे हैं एंटीबायोटिक का कोर्स, तो उसमें आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करवा सकते हैं। और जैसा कि मुझे भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही थी जिसमें बिल्कुल इसमें डॉक्सीसाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और लकीली एक बर्ड्स की प्रोडक्ट है जिसके जिसकी डोजेज कैलकुलेशन के लिए भी आपको किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने डोजेज भी ऊपर दी हुई है, डायरेक्शंस भी हैं, सो आप इसके अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट एटलीस्ट करवा सकते हैं। दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो जो 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 भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो है ये इसके जो है वो पिक्चर्स आ रही हैं, अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नाम लिख लें तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखें जैसे लोग फिंचेज हैं, अब कुछ बर्ड्स में जो है ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और वही जो है ना हम बर्ड को देते ही नहीं हैं। अब फिंचेज की बात कर लें या चलें अफ्रीकन ग्रे की बात कर लें, अब जो है ना हर प्रोफेशनल बंदे को पता है कि अफ्रीकन ग्रे की डेफिशिएंसी जो है वो कैल्शियम है, जब आप उसको प्रॉपर कैल्शियम देंगे ही नहीं तो वो ब्रीड कैसे करेगा, लोगों के पास तीन तीन चार चार साल जो है वो बर्ड्स पड़े रहते हैं लेकिन जो है वो ब्रीड नहीं करते क्योंकि हम उसकी डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा नहीं कर रहे। तो ये मैं यहाँ पे देख रहा था कि डी न्यूट्रिकल जो है वो मैं खुद भी डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल करता हूँ और बड़ी जो है वो जबरदस्त रहती है ये बड़े बर्ड्स के लिए, इनकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए विटामिन डी भी है। हाँ विटामिन डी भी है, डी थ्री भी शायद इसमें है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कैल्शियम कितना ज़रूरी है? जिब्रान भाई जस्ट लाइक अदर सप्लीमेंट्स कैल्शियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स बॉडी की ग्रोथ के लिए भी और आगे बर्ड्स ने रिप्रोडक्टिव सीजन में जाना है उसमें प्रोसेस में जाना है उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये चीज़ जानी मिलनी चाहिए। अब इसमें उसका प्रॉपर डोज में मिलते रहना और प्रॉपर टाइम पे मिलते रहना बड़ा इम्पोर्टेंट। हमारा एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट एक गलत सा डेवलप हुआ हुआ है कि हम ब्रीडिंग सीजन में जाके या बिल्कुल उसके करीब जाके कहते हैं कि जी अब हम इसको जो है ना डाइट अच्छा कर दें, सो स्टिल उस वक्त भी बर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि अच्छी डाइट वेल बैलेंस्ड डाइट की बर्ड को ऑल अराउंड द ईयर ज़रूरत होती है। थ्रू आउट उसको आप अच्छी फीडिंग बैलेंस्ड डाइट विटामिन्स वगैरह देते रहेंगे, फीड की वैरायटी मिलती रहेगी तो वो एंड पे आके सही परफॉर्म करेगा। और जैसा कि अभी आपसे जिक्र भी हो रहा था कि ब्रीडिंग ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग को बॉडी की लग्जरी कहते हैं और वो तब परफॉर्म होगी जब बॉडी की अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस की नीड्स पूरी होंगी। बिल्कुल सही। सो आप अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये ब्रीडिंग के लिए कुछ चीज बता दें, कोई टैबलेट बता दें, और मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप अपने बर्ड को स्ट्रेस फ्री कर दें और उसकी डाइट बैलेंस्ड कर दें, आपको बेस्ट वो रिजल्ट देगा ब्रीडिंग सीजन के अंदर। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, मतलब इसे वीडियो बनाने से पहले, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, वो अब हमारे जो है वो दोस्तों से भी शेयर करते हैं। आप एक तीन लेवल बता रहे थे बिल्कुल, उसके बारे में आप बताएं, वो मुझे आपकी बात बहुत जबरदस्त लगी और वो फैक्ट है। जब भी कोई लिविंग बॉडी है सो सबसे पहले अगर हम उसकी नीड एनर्जी नीड्स को देखें तो सबसे पहले वो अपनी मेंटेनेंस एनर्जी को पूरा करती है। मेंटेनेंस मींस कि जितनी उसकी बॉडी इस वक्त बन चुकी है उसको मेंटेन रखना, लाइक अगर उसका 1.5 किलो या 2 किलो का वजन है तो वहां तक उसने उसको मेंटेन रखना है अपने आप को। जब उसकी वो नीड पूरी हो जाती है और स्टिल उसको एक वाफर फूड मिल रहा होता है, एनर्जी मिल रही होती है, तो वो फिर सेकंड फेज में अपने आप को लेके जाता है जो कि ग्रोथ है, जिसमें बॉडी ग्रो करती है, सेकंड स्टेप में चली जाती है जिसमें बॉडी ग्रोथ फेज में चली जाती है, और उसकी भी ऑफ कोर्स एक अपनी लिमिट है, आप उसकी नीड पूरी करते हैं। तो जब उसकी नीड पूरी हो जाती है और स्टिल आपकी जो लिविंग बॉडी है, चाहे कोई भी लिविंग एनिमल है, बर्ड है, अगर उसको उसकी ग्रोथ की एनर्जी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब आप उसको देते हैं, उसकी फीड को बैलेंस करते हैं, तो फिर वो अपने थर्ड फेज में रिप्रोडक्शन फेज में एंटर होता है, तब जो है वो आप और वो ब्रीड
सही वो फिर वो सही परफॉर्म करता है। देखें जब देखें आप एक बर्ड का साइज है, मतलब एक आपने बर्तन हर केज में एक बर्तन लगाया हुआ, बजरीगर को भी आप जो है वो इतना ही फूड डाल रहे हैं, अफ्रीकन ग्रे को भी इतना ही डाल रहे हैं, वो उस उनका बॉडी का साइज है। जब तक आप इसके जो डॉक्टर साहब ने आपको तीन स्टेप नहीं बताए, ये आप कवर नहीं करेंगे, आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। तो ये जो जितने भी आपको जो चीज़ें प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, कैल्शियम है, विटामिंस हैं, ये आप उसको बर्ड के हिसाब से जब तक नहीं देंगे, आप थर्ड स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे, और जब तक थर्ड स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे तो बर्ड आपको ब्रीड नहीं करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजमेल भाई आपका और डॉक्टर साहब आपका, बहुत मज़ा आया गपशप लगाने का और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।